देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में 1977 के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। उसका कारण ये है कि 1977 के बाद 1980 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हुए थे और सिंधिया परिवार दो भागों में बट गया था। इससे पहले राजमाता सिंधिया जनसंघ में थी, फिर बीजेपी में आई। माधवराव सिंधिया ने भी पहला चुनाव जनसंघ से लड़ा और 1977 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से। तो 1980 में वो विधिवत शामिल हुए और तब से लेकर के और 20 तारीख तक जब माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया, सिंधिया परिवार दो भागों में था, एक कांग्रेस में एक बीजेपी में। और राजमाता के निधन के बाद ये परिवार पूरा का पूरा कांग्रेस में शामिल हो गया, केवल यशोधरा राजे सिंधिया वहाँ रह गई। अब फिर एक बार वही स्थिति बनी है जो 1980 में बनी थी कि अब माइनस सिंधिया कांग्रेस को चुनाव लड़ना है और प्लस बीजेपी कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। उस परिस्थिति और इस परिस्थिति में एक अंतर ये भी है कि उस समय राजमाता साथ में नहीं आई थी, राजमाता वहीं रही थी, और सिंधिया परिवार के किसी भी आदमी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला था। माधवराव सिंधिया रहे हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के खिलाफ क्लियर कट मोर्चा खोल के ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी छवि बनाई थी। अब वो उसी बीजेपी के साथ पहुंच गए हैं जो कभी उनको भूमाफिया कहती थी, कभी उन पर वंशवाद का आरोप लगाती थी, कभी सामंतवाद का आरोप लगाती थी। तो एक तो बीजेपी कैसे एडजस्ट करेगी उनके साथ, जिसके टारगेट पर बीजेपी रही और बीजेपी के टारगेट पर वो लोग रहे, और दूसरा एक और बात यह है कि कांग्रेस सिंधिया के बिना कैसे रह पाएगी, क्योंकि 40 साल हो गए, 40-45 साल से लगातार सारे फैसले पार्षद से लेकर के और सांसद तक का टिकट जो है ना सिंधिया परिवार जयविलास पहले से बंटता था, पंच सरपंच से लेकर के और बाकी सब निर्णय राजनीतिक चाहे संगठन के हों या पार्टी के हों, सारे के सारे बीजेपी को करना पड़ते थे, सिंधिया परिवार करता था, सिंधिया जी करते थे। इसके अलावा चपरासी से लेकर के कलेक्टर और कमिश्नर आईजी तक, सिपाही से आईजी तक के सारे तबादले पोस्टिंग जो भी होते थे वो सिंधिया साहब की मर्जी से होते थे। यही कारण रहा कि यहाँ कांग्रेस नामक कोई चीज़ रही नहीं। तो कांग्रेस में जैसा कि हम अभी देख रहे हैं ना, प्रत्याशियों का बहुत अभाव नज़र आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है कि 40 साल से जो ताकतवर लोग थे वो सिंधिया परिवार से जुड़े हुए ही पनपे, बाकी कांग्रेस धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। और चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों चाहे अर्जुन सिंह रहे हों, वो उनसे उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश तो की लेकिन वो बहुत संरक्षण नहीं दे पाए। तो आज स्थिति यही है। अब अगला जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा के तमाम वो नेता जो इससे सफ़र करेंगे, चाहे जयवान सिंह पवैया हों, चाहे केपी यादव हों, चाहे रघुवंशी हों और लाल सिंह आर्य हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, माया सिंह हों, जिनके कारण इनकी राजनीति आगे की प्रभावित होगी, उनका भविष्य क्या होगा ये भी तय होगा। इसके अलावा अभी जिस तरह से दिख रहा है कि बीजेपी हाशिए पे आ गई है और सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में एक लीड कर रखी है बीजेपी में, तो यही अगर स्थिति रही तो बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी के नेताओं का क्या होगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस यहाँ अच्छा नहीं कर पाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस लंबे समय के लिए उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कांग्रेस के सामने एक वह है कि अगर अभी ये 16 चुनाव होना है, इन 16 चुनाव में वो कितने ज़्यादा लोगों को अपने सीटें जिता के ला पाती है। इससे सिंधिया का भी भविष्य तय होगा तो कांग्रेस की ऑक्सीजन भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और अभी ये चुनाव 50-50 है। जो चुनाव जो प्रत्याशी छोड़ के भागे हैं उनके खिलाफ जो प्रचार किया गया उस हिसाब से उन पर भ्रष्टाचार जो आरोप लगाए पैसे के लेने के देने के, वो चीज़ें घर घर तक प्रवेश कर गई। तो प्रत्याशियों को लेकर रोज साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ कोई निरापद स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का अभाव है, संगठन का अभाव है और नेताओं की एकता का अभाव है। अगर वो इनको नहीं कर पाएंगे तो चुनाव में जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं और बीजेपी के सामने दो चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि सिंधिया के लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे आत्मसात कराएं उनको, और दूसरा अपने ही लोग जो गुस्सा हैं, नाराज हैं या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उनको कैसे संतुष्ट कराएं। इसके लिए नरोत्तम मिश्रा लगे भी हुए, घर घर नेताओं के जा के मना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें जो भी ठीक से अपना प्रोजेक्शन कर पाएगा वही अंततः चुनाव जीतेगा। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।